ये टायर है यार, ये टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा यहाँ पे, तुम देख सकते हो कम्प्लीटली। बस बाइक मेरे ख्याल से 4 या 5 हज़ार किलोमीटर ही चली है एंड अभी हमने टायर फाइनलाइज कर दिया अपना, और जानू भी आ चुका है, जानू भी ये करेंगे टायर का चीर हरन। भाई ने मारा एक बर्नआउट, अब मारने वाले भाई ऋषभ भाई, तो चक्करो चलो भाई। ओ भाई बर्नआउट वगैरह हमने ऑलरेडी मार दिया, तुम्हें क्लिप देखने को मिल जाएंगी, जल्दी देखते हैं टायर पोंछा डलाना, उसके बाद डला के और निकलते हैं प्यारी सी राइड। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो भाई कल रात को हम जब टायर डला रहे थे काफी ज्यादा लेट हो चुके थे, तो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड भाई ये टायर जो हमने चूज किया था रात को, जानू भैया ने ये सजेस्ट किया कि यही टायर जो है बेस्ट रहेगा बाइक के लिए, क्योंकि ये सुपर सॉफ्ट माउंट नहीं है हमारे इंडियन रोड्स के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है एंड काफ़ी अच्छी ग्रिप लग रही है टायर की। अब देखना है ये कितने किलोमीटर चलेगा, पुराना वाला टायर तो यार 4000 किलोमीटर पे एकदम दम ही तोड़ गया, क्योंकि लद्दाख साइड पे कहते फॉर श्योर। और आज का प्लान है यार हमारे साथ 1000, तो देखते हैं थोड़ा बहुत ट्रैक वगैरह मारेंगे, अभी बाइक हमारी बहुत शुगर हो चुकी है एकदम चमक रही है बिंदास, तो अभी जल्दी से निकलते हैं और ट्रैक मारते हैं। थैंक यू। सबसे पहला काम जो कि सुबह बाइक को घर से निकालने के बाद हमें करना होता है फ्यूल अप, तो फ्यूल अप हो गया, अब निकलते हैं। भाई इतना सेक्सी रोड हो और एक तो प्यारा सा वेदर हो और तुम्हारे पास 2 लीटर ग्लास सुबह बाइक हो, तो भाई बंदे को और क्या चाहिए। तो आज आ चुके हैं वापस से समीर भैया, क्या हाल है भैया? तो भैया आज लेके आए 1000 एंड काफ़ी फेमस है ये, तो अभी तुम्हें पता होगा इस पर काफ़ी ज़्यादा नौटंकीबाजी चल रही है इस बाइक पर। चलो सही है, सब अपना अपना कंटेंट निकाल रहे हैं, बाकी यार समीर भैया प्लान कर रहे हैं इस बाइक को परचेज करने का, तो आज हम आए देखने की भाई दोनों बाइक का क्या पोटेंशियल है और क्या कौन सी बाइक दोनों में से बेटर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन अभी 10RBA ने पहले भी रखी हुई थी, लेकिन अब वो प्लान कर रहे हैं कि एक नेकेड सुपर बाइक में जाने का, तो वो देखने हैं कि आज इस बाइक को सूटेबल है उनके लिए या नहीं। तो अभी यह खाली स्ट्रेच है, यहाँ पे बाइक्स वगैरह दौड़ाएंगे और देखेंगे क्या पोटेंशियल निकल के आता है दोनों बाइक्स का। बाकी यार दोनों बाइक्स को अभी हमने वॉश कराया, देखो यार क्या चमक रही है एकदम बिंदास से, और अपनी 10R कल हमने टायर चेंज करवाया था, तो ये भी हमें कल 30-40 हज़ार का फटका पड़ गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा टायर है। सजेस्ट नहीं करता उतारना, मेरी एक्चुअली लूज़ हो गई थी इसलिए मैंने उतार के बैग में रख लिया है ताकि वो गिर ना जाए पीछे, और ये सब सीन है। तो चलो समीर भी मारते हैं एक स्प्रिंट, रेडी चलो 3 2। मेरे ख्याल से भैया का गियर मिस हो गया था, उस वजह से वो बाइक पीछे रह गई, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ, पूछते हैं। गई चलो पकड़ते हैं इसको। मशीन कोई नहीं है, टेंडा आदमी ने डगे सकते भी, तो बाकी चलाने में भी कपड़े एडमेंट करते हैं यार। 10R में अगर तुमने टक इन कर लिया ना तो भाई ये मशीन नहीं आएगी पीछे फॉर शोर। बाकी यार थैंक गॉड कि हमारे एरिया में भी अच्छा रोड बना है, उसको भाई इसका लायक चेक। तो हमने बाइक स्विच कर ली है अभी, अभी समीर भैया चलाने वाले 10R और मैं चलाने वाला हूँ इसको Z1000 को, Z1000 ही बोलते शायद मेरे ख्याल से इसको, एंड देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। चलो
10 आवर पीछे नहीं रहती बॉस। चलो काफ़ी मज़ा आया भैया आज ड्रैग मारने का। तुम तो मेरे को ये बताओ कमेंट करके कि तुम्हें फ्यूचर में भी मेरे को ड्रैग की कि मेरे को फ्यूचर में भी ड्रैग वगैरह की वीडियोज अपलोड करनी चाहिए या ट्रैवलिंग कंटेंट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि यार ट्रैवलिंग कंटेंट पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं लगा कर सीरीज पे। तो अब हम फुल ऑन ये कंटेंट रहेंगे ड्रैग रेसिंग सुपर बाइक्स का कंटेंट, जिसके लिए सुपर बाइक बनी है। तो बाइक्स और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं अब। पार क्या लग रही है यार, है ना जबर ज़बरदस्त। तो काफ़ी ज़्यादा हाइपर राइड तो काफ़ी ज़्यादा कर रही, और प्लान थोड़ा आराम से चिल राइड मार के आते, देखते हैं रोड कहाँ तक बन गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस रोड पर आए हम। यार बट हैक्टिक डे, काफ़ी ज़्यादा थक गए आज भाई, काफ़ी ज़्यादा थक गए, काफ़ी ज़्यादा धमाल भी मचाया आज रोड्स पे, एंड मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हें यार ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो मेक श्योर तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। टिल देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में।